हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों को लंबे और घने कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान नुस्खे बताने वाला हूं मैं, जिसके आधार पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग सोचते होंगे कि मेरे बाल लंबे और घने क्यों नहीं हो पाते हैं और मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण है वह हमारा खान पान है। दोस्तों, हम खान पान में जो हमें मन में आता है, जो भी हमारे घर पर बना होता है, वह हम आसानी से खा लेते हैं। और दोस्तों, जो भी बाहर में मिलता होता है वो भी आप लोग खा लेते हैं, जो कि आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप तैलीय पदार्थ खा रहे होते हैं या फिर आप जंक फूड का सेवन करते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो आपकी बालों की जड़ें होती हैं वह कमज़ोर होने लग जाती हैं, जिसके वजह से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं और उनकी जो लाइफ है बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से आपके जो बाल लंबे और घने भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है बालों के ना बढ़ने का और बालों के झड़ने का। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो आगे मैं रेमेडी बताता हूँ उसको आप फॉलो जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा दूसरा कारण है वह शैम्पू है। दोस्तों, आजकल के जो शैम्पू आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिले हुए होते हैं, जिसके वजह से जो हमारे बालों की जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, आप शैम्पू लगाना बंद कीजिए और इसमें आप अपने बालों में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके बालों की जड़ें जो है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेंगी और दोस्तों इससे आपके जो बाल हैं वह भी नहीं झड़ेंगे। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ अपनी रेमेडी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप लोग को बाल अपने लंबे करने हैं और घने करने हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे के आधार पर आप लोगों को लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज के अंदर आयरन, विटामिन, कैल्शियम, जिंक और प्रोटीन की सम्मिलित मात्रा होती है, जो कि आपकी बालों की जड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक साबित होती है। आपको लेना है एक प्याज, उसके करने हैं 3 से 4 टुकड़े और उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में ग्राइंड कर लेने के बाद आपको एक अच्छा सा पेस्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको लेना है एक कटोरी और दोस्तों एक लेना है आपको छन्नी, जिससे कि आप दोस्तों जो प्याज का पेस्ट बना हुआ है उसको पेस्ट को अच्छे से निकाल करके उसका जो जूस है एक कटोरी में निकाल लीजिए। जूस निकल जाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं ताकि आपको बदबू ना आए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से थोड़ा सा बदबू सी आएगी। उसका जो जूस होता है प्याज का, उसमें थोड़ी सी दुर्गंध सी लगती है। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको कच्चा अंडा फोड़ करके डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लेने के बाद आपको डालना है इसमें कोकोनट ऑयल, जो कि हमारी जड़ों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, बालों की जड़ों को। तो दोस्तों, इसको आप लोगों को तीनों चारों आइटम्स को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद दोस्तों, यह आपको लगाने योग्य हो जाएगा। इसको आप 2 से 3 बार दिन में लगाइए, अपनी जड़ों में लगाइए, ताकि दोस्तों इससे जो कि आपके बालों की जड़ें मजबूत रहें और जो है आपके बाल लंबे और घने हो सकें। दोस्तों, यह जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया, यह बहुत ज़्यादा कारगर और इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने के बाद आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को यह नुस्खा कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर से पूछें, मैं उसका जल्द से रिप्लाई करूँगा। एंड दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।